ये रिश्ता क्या कहलाता है कि फोर्थ जनरेशन लीप पर अब फाइनली शहजादा और प्रतीक्षा के एग्जिट पर टेलीविजन के पॉपुलर एक्टर अर्जुन बिजलानी ने तोड़ी चुप्पी। अर्जुन ने साधा राधन शाही पर निशाना, शहजादा को लेकर कही ये बड़ी बात। तो इस वीडियो के साथ आप भी बने रहिए अंत तक। इस समय ये रिश्ता क्या कहलाता है सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी से गुजर रहा है। शो को मेकर्स के खिलाफ फैंस और जनता जो है उनका आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। लोग बार बार एक्टर्स के रिप्लेसमेंट से परेशान हो चुके हैं और राधन शाही से अब इस शो को ऑफर भी करने की डिमांड कर रहे हैं। इस बीच बहुत सारे टेलीविज़न के एक्टर्स हैं जो खास करके शहजादा को सपोर्ट में आ गए हैं, क्योंकि लोगों को पता है शहजादा बहुत ही अच्छे एक्टर होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी हैं, जहां तक टेलीविज़न के बहुत सारे एक्टर्स के अच्छे दोस्त रह चुके हैं, अर्जुन बिजलानी के भी। और इवन अर्जुन बिजलानी टेलीविज़न के वो एक्टर हैं जिन्होंने हमेशा सही का साथ दिया है और बहुत बार दोस्तों के लिए स्टैंड भी लिया है। अर्जुन बिजलानी ने इस बार राधन शाही पर निशाना साधा है और ये कहा है कि एज एन एक्टर आपको बहुत बुरा लगता है जब आपको विदाउट अ रीज़न आपको टर्मिनेट कर दिया जाए। ये सुनकर मैं बहुत शॉक हो गया था। मैंने शहजादा के साथ बात की है कि आखिर क्या प्रॉब्लम हुई है, क्या नहीं हुई है, ये पूरी कॉन्ट्रोवर्सी तो मुझे उतना नहीं पता है, लेकिन जितना मैं शहजादा को जानता हूँ, अरमान के कैरेक्टर में शहजादा ने पूरी जान डाल दी थी और शहजादा बहुत ही ब्रिलियंट एक्टर है, वो एक प्रोफेशनल एक्टर है। मुझे नहीं लगता है कि वो अनप्रोफेशनल बिहेवियर सेट पर कर सकता है। जिस तरीके से राधन शाही ने एक बड़ा एक्शन लिया है शहजादा के ऊपर, मुझे लगता है कि अगर फैंस की डिमांड है तो राधन शाही को अपने शब्द वापस लेने चाहिए और उनको शो में एक बार फिर लाना चाहिए। अगर ऑडियंस आपके साथ इतना कनेक्ट कर पा रही है और आप बार बार एक्टर्स को रिप्लेस करोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है फैंस के लिए भी कि वो अपने उन एक्टर्स के साथ कनेक्ट कर पाए। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूँ, अर्जुन बिजलानी ने जो बयान दिया है शहजादा को लेकर, उस पर एक बात आप नोट कर लीजिए कि ये रिश्ता क्या कहलाता है से जब जनरेशन लीप आया था तो अभी तो लोग अभीरा को ही नहीं भूल पाए हैं, यानी कि अक्षरा और अभिमन्यु की जो केमिस्ट्री थी, प्रणाली और हर्षद चोपड़ा को ही लोग नहीं भुला पाए हैं। इसी बीच शहजादा का इस तरीके से शो से जाना वाकई में इस शो के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अर्जुन बिजलानी ने कहा कि मुझे लगता है कि राधन शाही को इस शो में एक बार फिर शहजादा को मौका देना चाहिए और अगर वो मौका देते हैं तो उनका एक बहुत ही बड़ा बड़प्पन होगा। एज एन एक्टर जब आप काम करते हो तो आपके साथ सेट पर बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, प्रोडक्शन के साथ, क्रू मेंबर्स के साथ, लेकिन इन सारे मसलों को सॉल्व करके हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा शहजादा के फ्यूचर के लिए और अगर राधन शाही एक बार फिर उनको शो में लेकर आते हैं तो इससे बड़ी खुशखबरी नहीं हो सकती है। फिलहाल के लिए तो अर्जुन बिजलानी ने फुल सपोर्ट दिखाया है शहजादा को। आप क्या कहना चाहोगे? क्या आप भी डिमांड कर रहे हो राधन शाही से कि वो शहजादा को शो में वापस लेकर आए? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।